तुझसे नैना जब से मिले बन गए सिलसिले। काश प्यार के आड़े धर्म ना आता तो दिल्ली के रघुवीर नगर का रहने वाला अंकित सक्सेना जिंदा होता। जिंदा रहते उसके साज, उसके सपने, जुनून, उसका दीवानापन। ना अंकित के माँ बाप के सामने उसकी निर्मम हत्या होती और ना ऐसा दुखद अंत होता। बेटे का गला काट दिया, ये कहते कहते मैं रिक्शे में हम दोनों जा रहे हैं, ये भी रो रही है कि गला काट दिया भाई, इसको बचाओ, हम जा रहे हैं। हॉस्पिटल में पहुंच के मैं रोया चीखा, मैंने कहा कोई सुन लो, मेरे बेटे को बचा लो। 23 साल के अंकित को सजा मिली गैर मजहब की लड़की से प्यार करने की। 1 फरवरी को सरेआम बीच सड़क पर उसको मार डाला गया। मौत परिवार के सामने हुई। दिन गुरुवार का था, प्यार का महीना फरवरी और शाम के 7 बजे। खयाला में इसी जगह अंकित को इंतजार था लड़की के आने का। हत्या से 9 मिनट पहले के सीसीटीवी फुटेज में वो फोन पर किसी से बात करते दिखाई दिया है, शायद अपने प्यार से ही। तो मिलने जा रही थी, इतने में नीशु आया, उससे पता चला कि उसको अंकित का गला काट दिया और उसमें कह रहे मेरे घर वाले इंक्लूडेड हैं, मेरे मामा ने ये सब करा। अंकित ने शादी के सपने संजोए थे, अभी तक सामने आई तस्वीरों से भी यही लगता है कि वो प्यार को ही अपना धर्म मानता था। लड़की के घर वालों को ये रिश्ता रास नहीं आया। अंकित के मर्डर में लड़की की माँ की अहम भूमिका सामने आई है और अब लड़की ने घर वालों को छोड़कर आश्रम में रहने का फैसला किया है। मैं उस टाइम थी नहीं घटना पे, पर जैसे सब बता रहे हैं उस टाइम मेरे घर वाले वहाँ पे थे। हत्या के बाद से खयाला में तनाव है। पुलिस तैनाती और तनाव के बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अंकित के परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद अंकित के पिता ने भी मामले के सांप्रदायिकीकरण ना करने की अपील की। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर न्याय दिलाने की बात कही और मुलाकात कर परिवार को सांत्वना दी। भारतीय सर्वधर्म संसद के सदस्यों ने भी अंकित के परिवार से मुलाकात कर मजहबी हिंसा के खिलाफ दिए गए अंकित के पिता के बयान की सराहना की है। पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल साइट्स पर हत्यारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा जारी है। लोग पोस्ट डालकर हत्याकांड की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस वक्त अंकित पर जानलेवा हमला हुआ, लोग तमाशबीन बनकर खड़े रहे। पुलिस के मुताबिक घटना के 1 हफ्ते बाद इलाके में शांति कायम है, अतिरिक्त फोर्स हटा ली गई है। अंकित के परिजनों की सूझबूझ ने शांति बहाली में मदद की, लेकिन अभी भी इलाके में हर चेहरे पर गम तारी है। नवोदय टाइम्स के लिए नवीन निश्चल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।